छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के वो लाखों आवासहीन का प्रश्न है, जिसमें जवाब ऐसा मिला है कि एक तो इस प्रश्न के आते ही सबसे बड़ा परिवर्तन ही आया कि मेरे प्रश्न के जवाब आते आते मंत्री इतना व्यथित और दुखी हो गए कि अपने विभाग से इस्तीफा देकर चले गए। ये इस प्रश्न का ही प्रभाव है और ये प्रश्न का प्रभाव इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आवास के बारे में प्रश्न देते देते मंत्री जी ने जो जवाब मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है उसमें उन्हीं का पत्र जो अध्यक्ष महोदय जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके मैंने कई बार चर्चा की मुख्यमंत्री से, राशि आवंटन का अनुरोध किया परंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी, फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों का आवास नहीं बना जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख बनाने में 10,000 करोड़ की राशि जो हमारी अर्थव्यवस्था में सहायक होती, हमारे जन घोषणा पत्र के 36 लक्ष्य के अंतर्गत आवास योजना का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। प्रदेश के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और इस योजना के निरंक रही मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस आवास की योजना को क्रियान्वयन करने में असफल रहा। कितनी बड़ी फेल्योर है अध्यक्ष महोदय, गरीबों के आवास को लेकर, गरीबों के 16 लाख आवास, ये 10,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपया, और उस आवास को लेकर एक मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं आवास को लेकर, और इस सरकार को संशोधित कर लीजिए, उनने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उनने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उसने अपने विभाग को छोड़ दिया है, अपने आप को प्रेफर करने का लिखा है, अपने आप को प्रेफर करने का लिखा है, उसी संशोधन संशोधन कर आप स्पष्टीकरण देते हो, वही मैं संशोधन दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय मंत्री जी को मुलाकात दिलवा दीजिए, आप उनके प्रतिनिधि छोड़िए, आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं, इसीलिए तो संशोधित कर रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी को बुलाकर स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए, आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे, पंचायत विभाग के आवास से नहीं, माननीय अध्यक्ष जी वो भी आ, आप बार बार मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप मंत्री जी को बुला लीजिए, उनसे बुला लीजिए, मुख्यमंत्री जवाब दे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी मौजूद है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय पूरा तो सुन ले, मैंने आपको रोका नहीं, आपको टोका नहीं, कोई व्यवधान नहीं किया, आप सिर्फ संशोधन की तरफ से माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दे, माननीय अध्यक्ष पत्र मेरे पास भी है, छोड़िए उसको, इसमें क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कटिक ने जैसे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और उसमें कहा है अध्यक्ष मैं दलित हूँ मुझे अधिकार नहीं है, मेरी बात सुनो ना, पूर्व मुख्यमंत्री जी कैसे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, डिस्टर्ब क्योंकि पंचायत मंत्री का विषय है जी जी, अतः उनको कह रहे हैं अंतिम पैरम बोल रहे हैं, अतः मैं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूँ, जिसमें पृथक किया पृथक, अब ये पृथक हो गया और मैं काम करने में असमर्थ हूँ, ये तो एक पत्र है अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम 5-7 पत्र लेके आया हूँ जिसमें इस सरकार को, किसका किसका पत्र है बाकी, जो आवास के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर चीफ सेक्रेटरी अतिरिक्त प्रमुख सचिव सचिव और मंत्री को गया है, जी, ये बंच है लेटर का अध्यक्ष महोदय, सरकार को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पत्र आता है, उसके बाद गया प्रसाद जी का पत्र आता है, गिरिराज सिंह जी का पत्र आता है, ये सारे पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर का पत्र आता है और नागेंद्र नाथ आईएएस अधिकारी सचिव नरेगा का पत्र आता है, इनके पत्र में अध्यक्ष महोदय लगातार इस सरकार को ये बताया जाता है कि आपने जो आवास की योजना को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और अंतिम जो एक लेटर जिसका मैं कोट करना चाहता हूं, जो इस सदन को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय सरकार के पत्रों के जवाब न आने की वजह से गया प्रसाद का लेटर इन व्यू ऑफ द एबव विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द टारगेट ऑफ 7,81,990 एलोकेट टू स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 इज विथड्रॉ विथ इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू स्टेट हैज फेल्ड टू यूटिलाइज
एससीसी बेस्ट टारगेट एलोकेशन। ये कोई मजाक है सर? यानी ये गरीबों के लिए आवास बनाने वाली सरकार है, गरीबों के लिए आवास की बात होती है, और गरीबों को जो आवास देने में 16 लाख आवास अभी तो एक मंत्री का हुआ है अध्यक्ष महोदय, अभी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, इस आवास के चलते ये पूरे के पूरे मंत्री अध्यक्ष महोदय जनता इनको रिजेक्ट जी, आपका प्रश्न क्या है बता दीजिए, जवाब देंगे। योर स्पीच इज टोटल प्रोपोगंडा एंड स्टॉप टू आवर एलोकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके मामले में हमेशा आप प्रोपोगंडा ही बोलते हो, प्रोपोगंडा ही करते हो। चलिए क्वेश्चन करिए ना, जवाब देने तैयार है। छोटा प्रश्न नहीं, वो जवाब देने तैयार है आपके हर प्रश्न का। आप जवाब ही पूछ रहा हूँ जी। जो मैंने प्रश्न किया था अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था। अब जवाब देखिए आप, पैरा पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 16-17, 17-18, 18-19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का, इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में। तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके, और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शायद उत्तर को पूरा देखा नहीं है डॉक्टर साहब। इसमें 16-17, 17-18, 18-19 उसके बाद 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरे का विवरण दिया गया है। जहां तक 16-17, 17-18, 18-19 ये आपके कार्यकाल का है, और इसमें जो पूर्ण आवास की संख्या है 7,53,080, आपके समय का 35,000 आवास अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसका ये कारण है कि कुछ में जमीन नहीं है, कुछ में किस्त निकाल ली है, कुछ इधर उधर चले गए हैं, तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया। अब बात आती है 2019-20 के बारे में, तो 2019-20 में स्वीकृत आवास है 1,51,072, राशि प्रावधान 1,17,23 और आवास निर्माण 72,103, अपूर्ण आवास 78,969। 19-20 के बारे में बात यह है कि 762 करोड़ रुपए का ऋण के लिए आवेदन लगाया गया था, और मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे देता हूं। 1-2-2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु ऋतु की अभिव्यक्ति पश्चात तुलनात्मक ब्याज दर पर ऋण लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान मंत्रिपरिषद ने कर दी। चलिए आप जवाब देने दीजिए जी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, रुचि की अभिव्यक्ति के बाद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रुचि दिखाई गई, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये आ गया कि वायबिलिटी के ऊपर, यदि जो भी आपकी जो कंपनी है उसको ही मैं पढ़ के सुना देता हूं। टर्म लोन शुड बी सैंक्शन ओनली फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। अब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो कॉर्पोरेट बॉडी बना हुआ है, वो उसका कौन सा आय का साधन होगा कि वो अपने आय से और उसको वो स्टेट बजट से आप दे नहीं सकते? तो रिजर्व बैंक की तरफ से इसमें अड़ंगा लगा कि आप लोन नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है कि बार बार इनका कहना है कि पूरा नहीं करते, तो ये हमारा जो भारत सरकार की तरफ से पैसा लेना बाकी है उसको दिलाने के बारे में आपकी तरफ से क्यों पहल नहीं होता? क्या राज्य की जनता को यदि आवास मिलेगा तो उसमें दिस इज पॉलिटिकल सुनिए माननीय जान।
जाइए आप लोग बैठे बैठिए बैठिए चंद्राकर जी आप चंद्राकर जी आप सुनिए बोलने से क्या होगा। मैं कह रहा प्रधानमंत्री आवास हम लोग दिला रहे हैं। एक मिनट मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पूर्णतः सक्षम है सब प्रकार से। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, बाकी सदस्य लोग उनको डिस्टर्ब न करें, वो अपनी पूरी सक्षमता से प्रश्न कर रहे हैं। आप करने दीजिए ना, आप उनको प्रश्न करने दीजिए, उत्तर भी आने दीजिए। उत्तर अभी आया नहीं है, बीच बीच में मत दो, उत्तर आ रहा है, उत्तर सुन लीजिए उसके बाद। आप क्या मेरी जानकारी में आप दोनों एक ही जिले से हैं, आसपास से हैं, दोनों निपट लेंगे मुझे पता है। आपकी जानकारी में आया है जब बात और गरीबों के लिए है, छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा गरीबों का है, उसके लिए जवाब, ये पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है इस जवाब को। और 16 लाख आवास जो ध्वस्त, जिसमें से आधे बन चुके हैं, जिसका पहला किस दूसरा किस, मैं प्रश्न में आ रहा हूँ। आइए ना, उत्तर पूरा सुन लीजिए उनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 762 करोड़ के ऋण के बारे में जब हमने प्रक्रिया प्रारंभ की, बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अड़ंगा लगा कि कॉरपोरेट बॉडी अपने स्तर पर लायबिलिटी देखे और उसके आधार पर पेमेंट करे। अब भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार का अड़ंगा लगेगा तो कैसे बनेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीएसटी का पैसा है और अन्य मदे को जो पैसा है, भारत सरकार देती नहीं है, तो भारत सरकार से मांग करने के बारे में आप लोग पहल नहीं करेंगे। माननीय घड़ियाली प्रधानमंत्री आवास का है, मकान जीएसटी का मकान मिले तो किसने मना किया है तो सुनिए। इनको गरीबों का आवास बने नहीं बने का जवाब आ रहा है। 19, 20, 21, 22 वर्तमान में क्या स्थिति है। अरे मैं आगे आ रहा हूँ, 19, 20 से आगे बढ़ूंगा। मामला जो छोड़कर अरे जीएसटी के मंत्री तो जाकर दिल्ली में बैठे हुए हैं। अरे अकबर जी सुनिए तो, इस सरकार के मंत्री जीएसटी वाला, उन्होंने हाथ उठा दिया है और जाकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं। जवाब आ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आएगा भी नहीं, हम मंत्री को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं मंत्री जी के उत्तर से। रमन सिंह जी कमजोर हो गए डॉक्टर विजय जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मंत्री जी से जो